चिल्ड्रंस लिटरेचर थ्योरी इन प्रैक्टिस बाय फेलिसिटी ह्यूज। तो जैसे कि हम ये सीरीज एंड बैकग्राउंड रीडिंग मैं कवर कर रहा हूँ फाइनली, तो इसमें जो आज हम जिसको डिस्कस करने वाले इट्स अबाउट द चिल्ड्रंस लिटरेचर थ्योरी इन प्रैक्टिस। अगेन द डीयू सिलेबस में है, सो एल में है और साथ ही साथ रेगुलर में भी है। पर जो अब हम जो ये करेंगे जो जिसको डिस्कस करने वाले, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एन एस ए, तो एस ए है और साथ ही साथ जो देखो ये जो एस ए होता है ये वो वाले ऐसे नहीं है जिस तरह से नॉर्मली जो बच्चे जो लिखा करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी रिसर्च और मैकेनिज्म के थ्रू लिखी जाती है। तो ऐसे वो बड़े बड़े राइटर्स लिखते हैं, थिंक टैंकर्स लिखते हैं इसे। तो क्योंकि पॉपुलर फिक्शन आपके सिलेबस में और वो पॉपुलर फिक्शन के पार्ट का है, ऐसे चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर भी है। इसी के साथ साथ मैंने एक और वीडियो कवर करी थी अभी जो इसी से कनेक्टेड है, आप जैसे कि उसका नाम था पॉपुलर फिक्शन आइडियोलॉजी और द यूटोपिया बाय क्रिस्टोफर पॉलिंग। ठीक है, तो क्रिस्टोफर पॉलिंग आपको इसी सीरीज़ में आपको नीचे मिल जाएगा या फिर लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस यूट्यूब चैनल पे जो है फाइनली मेरे चैनल पे सर्च कर लेना तो पॉपुलर फिक्शन आइडियोलॉजी और यूटोपिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब इस वाली राइटिंग की देखो खासियत क्या है, जैसे कि चिल्ड्रंस लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस, आपको नाम से ही मतलब पता चल रहा है इट्स ऑल अबाउट दी थ्योरी, कि हम थ्योरी को डील करने वाले हैं दी प्रैक्टिस। कि चिल्ड्रंस लिटरेचर जो चिल्ड्रंस लिटरेचर होते हैं, जैसे कि पॉपुलर फिक्शन होता है यानी जिनके ऊपर मूवीज़ क्राफ्ट होती है, अलग अलग मूवीज़ बनाई जाती है जिन लिटरेचर के ऊपर, वो लिटरेचर भी एक साइंस का एक अच्छा खासा और एक लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी एनालिसिस और उसको भी क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू जाना चाहिए। और उस पर भी काफ़ी जैसे कि बाकी राइटिंग में हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस और उसके एनालिटिकल और डिस्कोर्स और डिसिप्लिन एज एन सब्जेक्ट हम रीड करते हैं, इसी तरह से चिल्ड्रंस लिटरेचर को भी एज एन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के फॉर्म में रीड करना बहुत ज़रूरी है। इनमें ये दिखा रखा है जो भी आउट ऑफ स्ट्रीम है, यानी जो आउट ऑफ स्ट्रीम यानी जो मेन स्ट्रीम में नहीं है लिटरेचर के, जैसे आउट स्ट्रीम में क्या रखते हैं, जैसे कॉमिक बुक हो गई या फिर कोई मूवीज़ की जो राइटिंग होती है या स्क्रिप्ट राइटिंग होती है या चिल्ड्रन लिटरेचर होता है, इसको हम उठा के साइड कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं इसमें वो बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको पसंद करने वाले भी कहीं ना कहीं, जैसे कि आप बच्चों के लिए अगर किताब लेके जाते हो तो खरीदने वाला जो होता है वो भी कोई बड़ा इंसान ही होता है, और वो बड़ा इंसान खरीदता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और वो हमेशा ये उठाते हैं बच्चों को क्या बढ़िया लगेगा। ठीक है, उसमें वो ये सब नहीं देखते कि उसका एक डिसिप्लिन एज एन डिस्कोर्स के, उसका एक साइंटिफिक और साथ ही साथ उसकी एक एनाटॉमी, ये सब पर्सपेक्टिव नहीं देखते, बस बाहर का आउटर डायमेंशन देख लेते हैं। छोटे मोटे जो फनी टाइप होना चाहिए, नॉनसेंस टाइप होना चाहिए, उसको उठा के बच्चों को दे देते हैं। इसी तरह से वो जो चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी जो बच्चों की जो लिटरेचर है उसको मेन स्ट्रीम में कभी कनेक्ट ही नहीं किया गया, इसी वजह से सिलेबस में ऐड हुआ है, पॉपुलर फिक्शन हो गया, चिल्ड्रन लिटरेचर हो गया, कि इनके भी एक तरह से इनके ऊपर भी लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, इनके ऊपर भी क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए और इनको भी एज एन कंसिडर करना चाहिए, नहीं भी मेन स्ट्रीम में कंसिडर करना चाहिए। तो जो जैसे कि चिल्ड्रंस लिटरेचर, पॉपुलर फिक्शन, ये सारे आउट ऑफ स्ट्रीम है, बट नाउ इसे मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना है, ये इन कहीं ना कहीं इन सारे प्रैक्टिस पेपर और थ्योरी, जो थियोरेटिकल स्टेटमेंट जो निकाली गई है और रिसर्च पेपर है और एसे है, इन सब का बस मेन काम यही है कि किस तरह से बाकी रीडर्स का जो इंटेंशन है वो इस तरफ मूव करवाएं कि जिसको हम आउट ऑफ स्ट्रीम कंसिडर कर रहे हैं वो मेन स्ट्रीम का पार्ट है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें उसे भी एज ए मेन टेक्स्ट की तरह, लिटरेरी टेक्स्ट की तरह पढ़ना चाहिए और उसकी एनालिसिस करना चाहिए। बेशक वो फिक्शियस राइटिंग हो, चाहे कॉमिक राइटिंग हो या फिर कोई वैसी राइटिंग हो, गॉथिक राइटिंग हो, उन सबको भी मेन कंसिडर करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं इनका एजेंडा है लिखने के पीछे, जो थीम है। तो हम जिसे पढ़ने वाले सिलेबस में है चिल्ड्रंस लिटरेचर थ्योरी, हम को डिस्कस करेंगे साथ ही साथ प्रैक्टिस और किसने लिखी, बाय फेलिसिटी ह्यूग ने। तो लाइन टू लाइन हमें एनालिसिस करना पड़ता है क्योंकि बेहतर समझ होनी चाहिए आपके पास। तो जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो या फिर कोई भी आप किसी को भी आप स्किम करते हो, स्किमिंग करते हो यानी मेन एक्सट्रैक्ट निकालते हो, फिर उसके थ्रू समझते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस तरह से यानी बहस जैसे नहीं करते नॉर्मली, डिबेट होता है कि हम उसके तथ्यों तक पहुंचना होता है यानी रूट फैक्टर तक हमें एनालिसिस करना है, ये होते हैं इन एसे का फॉर्मेट, कि हमें उनके बिल्कुल एनाटॉमी करनी है और उसके बिल्कुल रूट फैक्टर तक जाना है, फिर हमें एक तरह का क्रिटिकल जजमेंट देना है कि हाँ ठीक है कि नहीं है, इस तरह से। तो देखो चिल्ड्रन लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस अब एंड द प्रैक्टिस बाय फेलिसिटी ह्यूग्स डील्स विद द चिल्ड्रंस लिटरेचर। देखो योनरा क्या है, यानी कौन से फील्ड से विद इन द रेलम ऑफ रेल मीन्स एरिया ऑफ पॉपुलर फिक्शन पेपर। ठीक है, तो पॉपुलर फिक्शन का कंसेप्ट है, पॉपुलर फिक्शन के अंडर आता है। पॉपुलर फिक्शन दोबारा से जिसे हमने आउट ऑफ स्ट्रीम रखा, कभी मेन स्ट्रीम में कंसिडर नहीं किया, जैसे कि मूवीज़ के लिए जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं हम सिर्फ
मूवी के डायमेंशंस देख के बता देते हैं ना, वो 3D है 2D है, या एक्टर को देख लेते हैं हम, डायलॉग्स इंटरप्रेट भी डायलॉग भी देख लेते हैं, पर डायलॉग देखने से पहले हम ये देखते हैं कि उनमें एक्टर कौन है, विलन कौन है, ये सब कुछ। कभी भी हम उसके टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू को कभी अच्छी तरह से समझते नहीं है ना, हमारा उन पर ध्यान जाता है, क्योंकि हम सिर्फ आ पिक्चर और वो जो डायमेंशंस है और वो थिएटर का कंपोजिशन जो है और सिनेमेटोग्राफी है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे जाता है। पर कहीं ना कहीं इन्हीं टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे माइंड सेटअप को चेंज कर रहे हैं, वो हमारे अंदर वो सारी बातें लेके आ रहे हैं जो कि जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, पर वो अंदर से हमें मूव कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे सोशल बिहेवियर के ऊपर। तो ये बिहेवियर स्कूल का कंसेप्ट है कि किस तरह से वो जो मूवीज़ हमें दिखाई जाती है, वो हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट को किस तरह से बदल रहे हैं, तो उनका भी एनालिसिस होना चाहिए, उन्हें भी लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, ना कि हमेशा उनके थिएटर कंपोजिशन या फिर उनके सिनेमेटोग्राफी सीन पे जाना चाहिए, जबकि उसके टेक्स्ट के थ्रू हमें उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव सारे सर्कमस्टांसिस के थ्रू जाना चाहिए। तो ये पॉपुलर फिक्शन। तो चिल्ड्रन लिटरेचर को भी हमेशा इग्नोर किया जाता है, ये कह के कि नॉनसेंस फ्रेम ऑफ राइटिंग है, सब फिक्शियस होता है, इसका कोई रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, पर ये बहुत गलत सोच है। तो वो ये फिक्शन बस रीडिंग फॉर द गेटिंग द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी चिल्ड्रंस लिटरेचर, क्योंकि चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इट चैलेंजेस द क्रिटिक बाय पॉइंटिंग आउट द चिल्ड्रंस लिटरेचर विच इज रेलिगेटेड टू द रियल्म ऑफ द पॉपुलर फिक्शन, के चिल्ड्रन लिटरेचर को हम हमेशा पॉपुलर फिक्शन कंसिडर करते हैं। इज दिस सिग्निफिकेंट अदर, पर ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है एंड मस्ट बी व्यूड एज अ सीरियस फॉर्म एन आर्ट, इसे भी सीरियस फॉर्म ऑफ आर्ट की तरह कंसिडर करना चाहिए। देखो इसे सिग्निफिकेंट अदर के फॉर्म से डील किया जाता है, खुद सोचो, कैपिटल ओ देन TH ER अदर, यानी ये बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो जैसे कि कल्चर वल्चर में हम बोल देते हैं, है ना, रेसिज्म में भी हमने इस तरह से डील किया था कि हम किसी को अदर डिक्लेयर कर देते थे, तो ऐसा नहीं है। ये भी लिटरेचर के योनरा से है, यानी ये भी लिटरेचर के फील्ड से है, ठीक है, चिल्ड्रंस लिटरेचर भी। तो हम इसे आउट ऑफ स्ट्रीम नहीं रखना, हमें भी इसे मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट अदर लिख रखा है, एंड मस्ट बी व्यूड एज अ सीरियस फॉर्म इन आर्ट, ये सीरियस फॉर्मेट है ना। फैमिली रीडिंग इज नॉट मेयरली फॉर द फैमिली रीडिंग, ये फैमिली रीडिंग के लिए नहीं है कि आप सिर्फ एक तरह से इसमें स्किम ना करके आप स्कैनिंग कर रहे हो ना। स्कैनिंग का मतलब क्या, आप सिर्फ पेज पे पेज पलटाए जा रहे हो जब आपने इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है, जैसे कि नॉवेल्स होते हैं, मोटी मोटी नॉवेल्स होते हैं, दैट्स ऑल अबाउट द स्कैनिंग, सिर्फ इंटरेस्ट जनरेट करना है ना, सीखना वीखना कुछ नहीं है, सिर्फ पलटाते चलो। पर स्किमिंग का मतलब क्या होता है, रुक रुक के, है ना, मेन मेन पॉइंट ऑफ व्यू उसमें से उठाने हैं, और मॉरल एटीट्यूड भी समझना है, उसके एनालिसिस भी करना है, एनाटमी भी करनी है, डिस्कोर्स एज एन डिसिप्लिन भी समझना है उसे, ये सारा कुछ। तो फैमिली रीडिंग के लिए नहीं है ये सब कुछ, ये सब कुछ स्कैनिंग के लिए नहीं है, बट इट्स ऑल्सो मेंट फॉर दिस स्किमिंग, स्किमिंग के लिए भी है। तो बट एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, ये एक सब डिसिप्लिन है, एक डिस्कोर्स है, जिसको कि बहुत अच्छे डिस्कोर्स मीन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। तो डिस्कोर्स है ये चिल्ड्रंस लिटरेचर, ये नहीं है कि सब ऑल अबाउट द फैमिली रीडिंग है, एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो, वो तो है ही, साथ ही साथ इसका मोटिव ये नहीं है, बिहेवियर पर्सपेक्टिव को चेंज करती है। तो इसका मतलब ये एज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन भी पढ़ा जाना चाहिए, और एज एन डिस्कोर्स भी साइंटिफिक स्टडी के थ्रू भी हमें पढ़ना चाहिए। नाउ फाइनली दिस इज फॉर द समरी, अब समरी पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ देखो, दो तीन बातों पर, कि आप अपने आप को एज ए न्यूट्रल कंसिडर करो, है ना, बिल्कुल न्यूट्रल कर दो, कोई भी बायस अपने ऊपर नहीं रखना कि मैं इस तरफ झुका हुआ उस तरफ झुका हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, बायस कोई भी नहीं रखो, न्यूट्रल रखो। अब इस न्यूट्रल के थ्रू आप एक तरह का एक रिसर्च मैकेनिज्म, एक रिसर्च पेपर को पढ़ने वाले हो, इस तरह की आप अपने अंदर फीलिंग रखो। और अब देखो, अब एक तरह का ये डिस्कशन है, एक तरह का ये डिस्कोर्स है जो हम पढ़ने वाले हो, डिसिप्लिन है। अब रूट लेवल से उठाई जाती है चीज़, जैसे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर डील करते हैं तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम आई कहाँ से, है ना, तो आप उसके जेनेसिस के, वो पहले जेनेसिस के थ्रू जाते हो कि वो चीज़ निकल के कहाँ से आई, फिर उसके आप उसको देखते हो कि वो चीज़ किस तरह से मूव ऑन होती गई और उसमें कितना एक्सेलरेशन आया, कितनी वो चीज़ एक्सेलरेट हुई, और किस तरह से उसे सोसाइटी ने इंटरप्रेट किया उस समय, समाज ने उसे किस तरह से देखा, और क्या समाज ने जिस तरह से उसे देखा वही सोसाइटी की जो है, जिस तरह की सोसाइटी होती है उस तरह का इंडिविजुअल अपने आप उस कलर में आने लग जाता है, और उसके थ्रू जो है सोसाइटी, जैसे सोसाइटी इंडिविजुअल को इंटरप्रेट करती है, फिर इंडिविजुअल सोसाइटी को इंटरप्रेट करता है, इनकी साइकिल चलते रहते हैं। समाज में बदलाव आता है, इंसानों में आता है, इंसानों में बदलाव होता है, फिर वो समाज को बदलते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूस साइकिल है, ये किस तरह से मूव होती गई, फिर इसका कोई लूप होल था कि नहीं, कोई गलती कहीं थी कि नहीं, गलती समझने के लिए आपको फिर ऐसे पेपर को पढ़ना पड़ता है कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई,
किस तरह से लोगों ने सोचा फिर ये, और ये जो लिखने वाले होते हैं जो लूप होल को समझते हैं जहाँ गलती हुई है, दैट इज़ फॉर द रिसर्च पेपर या फिर ऐसे या फिर कंपोजिशन जो कि बहुत ही डिस्कोर्स एंड डिसिप्लिन वे से लिखी जाती है, उसकी एक साइंटिफिक एनालिसिस होती है। इसी तरह का आप ये वर्क पढ़ने वाले हो। तो जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने आई थिंक इसलिए थर्ड सेम में डाल रखी है ताकि आपको फर्स्ट सेकेंड और बाकी सेमेस्टर में आपने रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज जैसे एजिस को पढ़ रखा होगा, और उसी के कंसेप्ट के थ्रू अब हमें इसको हमें एक एक चीज़ जो है एक एक कंसेप्ट को समझना है, और उसके थ्रू अब हम अपने हाइपोथेसिस को जनरेट करना है। ऐसे में जैसे जैसे बोल रहे हैं उसी तरह मूव करेंगे हम, और फिर हम इस बैकग्राउंड रीडिंग को समझेंगे कि भाई ऐसी बात है कि नहीं है। ठीक है, तो एज ए न्यूट्रल कंसिडर करना है हमें से। तो शुरुआत होती है, देखो चिल्ड्रन लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस हम पढ़ने वाले हैं। डील्स विद द वे ऑफ द कैनोनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन लिटरेचर इज बीइंग डन विद एन एकेडमिक एंड द पब्लिशिंग सर्कल, हाउ इट केम टू बी बीइंग एज अ सिग्निफिकेंट अदर। किस तरह से सबसे पहले चिल्ड्रन लिटरेचर को स्टार्टिंग में ही एज एन अदर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मैंने आउट ऑफ स्ट्रीम कर दिया मेन स्ट्रीम से। एक और ऐसे है क्योंकि क्रिस्टोफर पॉलिंग ने लिखा, जो कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पीछे वाली स्लाइड में, क्रिस्टोफर पॉलिंग का मैंने डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है, बाकी आप इसी चैनल पर देख लेना आपको वर्क मिल जाएगा। तो पॉपुलर फिक्शन का पार्ट माना जाता है चिल्ड्रन लिटरेचर को। अ चाइल्ड इज यूजुअली सीन एज इनोसेंट क्रीचर, सबसे बेवकूफ़ी वाली बात यही बोलती है कि चाइल्ड बच्चा जो एक इनोसेंट क्रीचर होता है, और आपने ये सब भी पढ़ा होगा ना, द चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, एक बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट होता है, वो अपने आप ही अपने सारे डिज़ाइन करता है, अपनी तरह से लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, सब कुछ वो खुद ही करना सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि लैंग्वेज उसके मुँह के अंदर किसी ने घुसा घुसा के समझाया हो या बैलेंसिंग सिखाया, वो सब कुछ खुद करता है। तो एक तो चाइल्ड एज एन इनोसेंट क्रीचर जिसको कि स्टार्टिंग में ही कुछ राइटरों ने कुछ पोइट ने रोमांटिक एज में डिफाइन कर दिया, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बच्चों के ऊपर राइटिंग लिखी और चाइल्ड एज एन इनोसेंट फिगर दिखाया, ऐसे विलियम ब्लेक ने, विलियम ब्लेक का आपको पता होगा द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, विलियम ब्लेक की जो राइटिंग आई थी वो आपकी आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 1789 में। ब्लेक ने कॉपीज़ लिखी थी, दो कॉपी लिखी थी, यानी दो वर्क निकल के आया उसका उनका, एक तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में दिखा रखा, देखो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में सिंपल है कि बच्चे को एज एन इनोसेंट फिगर दिखाया गया, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में किस तरह से वो बच्चा जो है वर्ल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, किस तरह से जो बाकी समाज जो है उसके साथ कितनी बुराइयाँ करते हैं, ये सब कुछ दिखा रखा है। तो 1789 में विलियम ब्लेक ने भी चाइल्ड एज एन इनोसेंट फिगर दिखाया, एंड दीस आर देयरफॉर द नीड टू गेन द सुप्रीम इनोसेंस, और इस तरह से सुप्रीम इनोसेंट का टैग लगा दिया गया बच्चों के ऊपर, ठीक है। बट वी मूव फर्दर इन द विक्टोरियन एज पे जब हम आए तो कॉलोनियल वर्ल्ड है ना, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, यानी 1850s 1820s का टाइम, ठीक है। अब ये टाइम ऐसा था जब ने आपने देखा था पीक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ऊपर गई थी है ना, इंडस्ट्रीज और ये सब कुछ जहाँ पे इन्वेंशंस हुए थे मैक्सिमम टू है ना 25,000 तक इन्वेंशंस हो चुके थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म ये सब चीज़ पे मूव कर रहा था। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद सत्ता है ना, ऊपर के मोटी फर्म वाले जो थे एलीट क्लास, और कॉलोनियल का मतलब किस तरह से अंग्रेज कॉलोनाइज कर रहे थे, और ये कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा था, किस तरह से 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर उस रिवोल्ट के बाद आपने देखा कैसे हम फर्दर ऑन मूव हुए, ठीक है, इस तरह का कुछ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपने देखा। तो इस तीन ये तीन जो थे इन्होंने भी दिखाया यहाँ पे किस तरह से इन्फीरियर वर्जन ऑफ दी एडल्ट के चाइल्ड को फिर से दिखाया एज एन इन्फीरियर, क्योंकि आप पता वो चाइल्ड लेबर को लेकर काफ़ी सारे एक्ट आए थे इस समय, और जो इंग्लैंड में है विक्टोरियन एज के टाइम पे बच्चों के ऊपर काफ़ी राइटिंग लिखी जाने लगे, जैसे कि हार्ड टाइम्स डिकन्स की, चार्ल्स डिकन्स ने मैक्सिमम राइटिंग लिखी बच्चों के ऊपर, ठीक है। अब इनमें बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट दिखाया गया, किस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था, काम लिया जाता था, वो इनोसेंट थे, तो ऐसी इनोसेंट फिगर का ये जो टैग लगाने का काम किया था स्टार्टिंग के राइटर ने कर दिया था, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक और इन सब ने, ठीक है, इन सब ने फाइनली टैग लगा के दिखा दिया, और जो एज आई इनिशियलाइजेशन इन सब में जो राइटिंग आई चाइल्ड को एज एन इनोसेंट फिगर दिखा दिया गया। द काइंड ऑफ द नोशन, नोशन मीन्स द आइडिया अगेन है ना, सेटअप माइंड का, द चाइल्ड ऑब्वियसली टेंड्स टू बिलीव दैट द चाइल्ड कैन नॉट दस हैव अ टेस्ट, तो बच्चों का कोई टेस्ट नहीं होता, चाइल्ड जो है गुड एंड बैड के बीच में समझ नहीं सकते, वो एक तरह से सिर्फ एक फैंटेसी के वर्ल्ड में रहते हैं, जैसे कि आपने चिमनी स्वीपर देखा था वो सपने ले रहे होते हैं, वो देखते हैं वो क्या बन रहे हैं क्या नहीं बनते, ब्लेक ने लिखी है। तो इन सभी राइटिंग में चाइल्ड को एज एन इनोसेंट फिगर दिखाया गया, दिस काइंड ऑफ द बिलीफ इज कॉल्ड द कैनोनाइज लिटरेचर, टेक इट्स एज द स्टैम्पिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर एज द अदर,
फिर उन्होंने कहते हैं जो बच्चा इतना इनोसेंट फिगर है तो उससे जो राइटिंग होगी वो भी एक एज एन इनोसेंसी के ऊपर है ना, कुछ भी लिख के बच्चों को दे दो क्योंकि वो तो इनोसेंट है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ भी कह दो जैसे एक बॉटल हवा में उड़ रही है तो वो भी उन्हें मानना पड़ेगा। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है कि चिल्ड्रन लिटरेचर को एज एन अदर कंसिडर किया गया और इसे आउट ऑफ स्ट्रीम रखा गया। इसके बाद देखो दिस डजंट मीन दैट देयर आर नॉट इनफ द चिल्ड्रन लिटरेचर। देखो अदर कहने का मतलब क्या है, देखो अदर हमेशा माइनॉरिटी के लिए लगाया जाता है या मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए जो बहुत ही कम है, जैसे शेड्यूल ट्राइब, अगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर हम इंडिया को पढ़े तो शेड्यूल ट्राइब हो गए वो अदर कंसिडर किए जाते हैं, तो उन्हें कुछ उसके लिए देने के लिए कुछ रिजर्वेशन इस तरह की कुछ वो कुछ स्केफोल्ड किया जाता है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। पर यहाँ पे देखो चिल्ड्रन लिटरेचर को अदर कहने का मतलब ही नहीं है, द अदर आप कह ही नहीं सकते क्योंकि मार्जिनलाइज नहीं है। हर साल इतनी सारी किताबें जो है छपती हैं, सबसे ज़्यादा किताब जो छपती है वो बच्चों की छपती है। सेकंड थिंग मार्केट जो हो रही है, स्ट्रेटजी कंज्यूमर और ये जो बड़े बड़े जो मूवीज़ को डायरेक्ट किया जाता है सबसे बड़ा इनकम सोर्स और ये जो सबसे बड़ा जो एरिया है, एक जो वास्ट ग्राउंड है हमारे पास एज एन इनकम के लिए, जो वो सबसे ज़्यादा इनकम होता है चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी चिल्ड्रन की बुक से। बच्चों की बुक के ऊपर बड़े से बड़े पब्लिशिंग हाउस, पब्लिशिंग इंडस्ट्री वो मूव करती है। तो हम इसे दादर तो इस एंगल से कह ही नहीं सकते। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कहना है, इन दी टर्म्स ऑफ अगर हमें प्रॉफिट कहना है, तो द अदर कहने का कोई हक नहीं है हमारे किसका, चिल्ड्रन लिटरेचर को, क्योंकि यही पब्लिशिंग इंडस्ट्री को सबसे आगे फर्दर मूव ऑन करवाती है। सेकेंड थिंग, चिल्ड्रन लिटरेचर जो एक पेडेस्टल है, एक तरह का ये क्या है जैसे कि मेन सीढ़ी कह सकते हो आप, फेलिसिटी ह्यूक्स ने बताया और फेलिसिटी ह्यूक्स ने बोला चिल्ड्रन लिटरेचर जो एज एन थियोरेटाइज एंड एज एन थियोरेसाइज सर्टेन एक्सटेंट टू प्रोवाइड ए सॉलिड बेस फॉर द लिटरेचर यूजुअली रेड बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा इनको पढ़ते हैं, कई जगह अब फैमिली रीडिंग के भी काम आता है वो अलग बात है। इतनी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और जो है पब्लिशिंग और पब्लिशिंग हाउसेस के वो सारे कुछ डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि इस पर चिल्ड्रन लिटरेचर पे, और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, और तो हम इससे अदर नहीं कहेंगे। इस अदर के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इतनी दैट सिग्निफिकेंट अदर। एक तो सिग्निफिकेंट लगाना जरूरी है क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब ही खुद क्या होता है, जरूरी है। तो ये अदर नहीं है, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, क्योंकि जो पब्लिशिंग हाउस बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, पर फिर भी इसे एज एन अदर कंसिडर क्यों किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि सीधा उठाया किसने, फेलिसिटी ह्यूक्स ने। इसके बाद इन स्टेट ऑफ द कन्फ्यूजन फेलिसिटी ह्यूक्स ने चिल्ड्रन लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस में चैलेंज किया है दैट द क्रिटिक बाय पॉइंटिंग द चिल्ड्रन लिटरेचर इज इन द रेलम ऑफ द पॉपुलर फिक्शन इज अ सिग्निफिकेंट अदर, इट्स अगेन द पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाना चाहिए, जैसे कि नॉवेल को आप एक तरह के सीरियस फॉर्म है ना आर्ट कहते हैं, वैसे तो आप नॉवेल को किस लिए पढ़ते, फॉर द सेक ऑफ द एंजॉयमेंट, सॉरी, नॉवेल को आप पढ़ते हो फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है। तो हम नॉवेल को कभी स्किप नहीं करते, हम सिंपल उसे अगर वैसे नॉवेल ना हो तो वो जैसे डिटेक्टिव फिक्शंस ना हो और डिटेक्टिव बेस ना हो तो हम नॉवेल को सिंपल एक तरह से स्क्रीन आउट करते हैं, स्क्रीन करना शुरू करते हैं, पेज पे पेज, इतनी मोटी नॉवेल है। तो नॉवेल जो मूव करती है नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ द मॉरल लेसन कि वो हमें कुछ सीख देगी, ऐसे नहीं है। नॉवेल में एक पेज से दूसरे पेज और कई सारे पेजों को कवर करने का एक ही एजेंडा होता है उसके पीछे, वो क्या, आपका इंटरेस्ट। तो नॉवेल के जो पेज को मूव करवाती है दैट इज़ द इंटरेस्ट, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। तो यही इंटरेस्ट जब, तो नॉवेल को इतना सीरियस फॉर्म एन आर्ट बोला जाता है कि नॉवेल एक सीरियस फॉर्म ऑफ एन आर्ट है, जबकि उस चीज़ को मूव क्या करवा रही है, एक पेज से आप दूसरे पेज पे मूव कर रहे हो, इतनी मोटी मोटी नॉवेल को आप कवर कर रहे हो, उसके पीछे सिर्फ एक इंटरेस्ट फैक्टर है। तो वही इंटरेस्ट फैक्टर जब एज वहाँ पे देखो नॉवेल में इंटरेस्ट एज एन पिन का काम करती है, पिन यानी सेटल का जैसा पिन होता है, तो आप एक पेज से पेज उनको जो बाइंड करके रखती है दैट इज द इंटरेस्ट, वही सेम इंटरेस्ट जब बच्चों के उसमें आ जाती है तब हम उसे क्या कह देते हैं, दैट इज द अदर राइटिंग। तो उसे एज एन सीरियस फॉर्म ऑफ एन आर्ट क्यों नहीं कंसिडर किया जाता, एक तो ये सवाल दोबारा से उठाया गया। अब इस वाले पेज पे आप जैसे नॉवेल और अभी जो चिल्ड्रन लिटरेचर को कंपेयर किया जा रहा है, टू एस्टैब्लिश द करंट आर्ग्यूमेंट, इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर फर्दर डिस्कशन होता है जिसमें कि कुछ बातें रखी है। देखो फेलिसिटी ह्यूक्स ने कुछ बातें रखी किस तरह से नॉवेल को इतना ऊपर माना जाता है। तो क्या देखो 1880s में जितने स्कॉलर्स आए थे, ठीक है, और जिन्होंने जैसे कि जी बी शॉ, विक्टोरियन एज में जो राइटिंग थी, कई बार आपने प्रोस्टिट्यूट जैसे प्रोस्टिट्यूट के नाम को भी आपने कवर पेज पे देखा था, जैसे कि मिसेस वैरेंस प्रोफेशन बाय शॉ ने लिखा था, बट नॉट शॉ की राइटिंग है। अब
प्रोस्टिट्यूट जैसे उनको भी आप बिल्कुल कवर पे रख रहे हो और इंटरेस्ट के थ्रू पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी ना कोई मॉरल लेसन है ना उसके बिहाफ पे, ना कोई रेशनल फैक्टर, सिर्फ कुछ भी लिख रखा है और कुछ भी लोग बड़े लोग पढ़ रहे हैं, पर फिर भी एज एन कंसिडर किया जाता है, एज एन सीरियस जॉनरा है ना, सीरियस जॉनरा कंसिडर करते हैं कि नहीं भाई बिल्कुल सीरियस राइटिंग है, तो पोएट्री है चाहे ड्रामा हो चाहे नॉवल हो, इन सबको ऊपर माना जाता है। पर जब बात आती है इन सबको कहा जाता है दैट ऑल दिस आर डिस्टिंग्विश्ड द क्लासिकल एंसेस्ट्री, यानी पुराने टाइम के लोगों की राइटिंग है, बहुत सीरियस राइटिंग है। वॉज स्टिग्मेटाइज एज द लॉ एंड द आर्ट फॉर्म ऑफ द डे। पर फिर जब बात आती है कि जो चिल्ड्रंस लिटरेचर की, तब ये बात करते हैं कि नहीं वो तो एक लो बेस राइटिंग है, ठीक है एक तो लो राइटिंग है। जैसे कि एक द हाइटन एंड द मोर सीरियस कंसेप्शन ऑफ द नॉवल एज एन आर्ट बाई वॉल्टर एलन। वॉल्टर एलन ने कहा देखो ये कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जब पेपर में आप लिख के आओगे तो ये सब आपको वहाँ पे एक तरह से आप अपने आप को समझो को वकील हो, है ना, लिटरेचर के वकील हो, केस को लड़ रहे हो, तो आप अपनी बात को रखने के लिए कहीं ना कहीं से कोई वो तो लेके आओगे ना कि कोई एग्जाम्पल या कुछ ऐसे जो आप कोट करोगे वहाँ पे। ये केस है एक तरह का, आप केस पढ़ने वाले को, चिल्ड्रन लिटरेचर को आपको जिताना है और बाकी सारे लिटरेचर को आपको हराना है। तो अब जब आपने केस लिया तो बस केस को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ वो होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो वैसे हमें ये सब याद रखना होता है, जैसे कि अ हाइटन एंड मोर सीरियस कंसेप्शन एज नॉवल एज एन आर्ट। नॉवल एक आर्ट का मोर सीरियस कंसेप्ट है, ये बात बोली किसने, वॉल्टर एलन ने। हेनरी जेम्स ने फिर कहा देखो एक तो वॉल्टर एलन का नाम याद रखना, फिर हेनरी जेम्स ने देखो क्या कहा, द आर्ट ऑफ फिक्शन ट्राई टू डिसोशिएट द नॉवल फ्रॉम इट्स फैमिली रीडरशिप एंड रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स वट वॉज सीन एज एन आर्ट्स ट्रेडिशनल एलिट ऑडियंस ऑफ द एजुकेटेड एंड एडल्ट मेल्स आउटसाइड द होम एट कोर्ट एट द कॉफी हाउस और द क्लब। कि नॉवल एक ऐसी चीज़ है जिसको आर्ट ऑफ फिक्शन नहीं कहना, उसको क्या कहना है, एक इतनी सीरियस राइटिंग जो कि सिर्फ एजुकेटेड लोग पढ़ते हैं या जो घर से बाहर रहते हैं, आउटसाइड माने घर से बाहर जो मेल होते हैं वो, या कोर्ट में या कॉफ़ी हाउस में या क्लब में, इतनी बड़ी बड़ी जगह इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो देखो खुद सोचो नॉवल को कितना ज़्यादा एग्जैग्रेट किया, जबकि नॉवल ना ही क्लासिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। अगर हम क्लासिक स्टाइल ऑफ राइटिंग की अगर बात करें तो क्लासिक फॉर्म ऑफ राइटिंग में सबसे पहले पोइट्री आई थी, सब कुछ पोइट्री के फॉर्म में लिखी गई थी स्टार्टिंग में। पोइट्री के बाद आपने देखा होगा एसे आई, फिर इसी एसे को कंपाइल हुए सारे एसे, ये एसे फिर डे टू डे वर्क को कंपाइल किया गया, ये सारे डे टू डे वर्क जो है वो कंपाइल होने के बाद फिर नॉवल की फॉर्मेशन हुई। तो नॉवल तो मॉडर्न है, 1840s 1830s में है, यानी बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी दैट लेट्स सी द मेंशंस ऑफ द नॉवल। तो नॉवल तो वहाँ से है, इससे पहले तो ड्रामा थी, तो फिर भी नॉवल को इतना ऊपर क्यों माना जाता है और एज जब हम इसे कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ द चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो एक तो ये सीरियस क्वेश्चन है, पर फिर भी लोगों ने कहीं ना कहीं बातों में क्लासिकल एंसेस्ट्री बोल दिया, कुछ नहीं बोला कि दैट्स अ सीरियस राइटिंग। जैसे वॉल्टर एलन का मानना है इज अ सीरियस कंसेप्शन, और वहीं पे हेनरी जेम्स का मानना है, हेनरी जेम्स अगेन साइकोलॉजी, ठीक है साइकोलॉजी के बहुत अच्छे राइटर रहे, तो इन्होंने बोल दिया नहीं ये तो सीरियस राइटिंग है, एक तरह का सीरियस कंसर्न है, इसको एडल्ट लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं और कोर्ट में बड़ी बड़ी जगह पढ़ा जाता है इसे। इन द अदर वर्ड्स द नॉवल हैड टू गेन सम ऑफ द स्टेटस एज अ सीरियस देन एट द बीइंग ऑफ द अनस्टेबल फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। फिर बाद में ये डिक्लेयर कर दिया गया ये अनसेफ होगा, किसके लिए, अनसुटेबल है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे दोबारा से पार्शियलिटी दिखाई गई है कि वुमेन और चिल्ड्रन को अलग कर दिया गया, आउट ऑफ स्ट्रीम कर दिया गया कि उनके लायक नहीं है, क्योंकि एक तो सीरियस राइटिंग है, मेल शाविनिज्म कंसेप्ट को और पेट्रियार्की टेस्ट को जबरदस्ती डाला गया कि ये सिर्फ मेल लोग ही पढ़ते हैं, क्योंकि सीरियस राइटिंग मेल के लिए, फीमेल और बच्चों के लिए नहीं है। द कॉमन कंजेक्चर, तो जो एस्थेटिक थ्योरी है, एस्थेटिक थ्योरी यानी जो बाहर की रूपरेखा सजावट जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एस्थेटिक थ्योरी, इज दैट द चिल्ड्रन कैन नॉट हैव द एस्थेटिक प्लेजर, इट इज रिक्वायर्ड सम डिग्री ऑफ द इंटेलिजेंस एंड द डिस्क्रिमिनेशन टू बी एक्सपीरियंस एंड द चिल्ड्रन आर थॉट लैकिंग इन दैम। बोला गया कि देखो द कॉमन कंजेक्चर, देखो कहा जाता है जो एस्थेटिक थ्योरी इज दैट द चिल्ड्रन कैन नॉट हैव द एस्थेटिक प्लेजर, कि बच्चों के पास एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी वो किसी के आउटर डायमेंशन को, किसी चीज़ को किस तरह से लिखा गया है उसके क्वालिटीज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो ये बोला गया, इसलिए बच्चों के पास वो इंटेलिजेंसी, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं समझ सकते। तो जो एस्थेटिक एसेंस जो चिल्ड्रन राइटिंग में दिखाया गया है, दैट्स ऑल अबाउट द फिक्शस, वो फिक्शस डील है, उसमें कुछ भी नहीं होता। The arbitrary exclusion of the children literature from the class of the serious literature, बोल दिया गया कि serious literature के domain से बिल्कुल बाहर रख दिया गया, किसे, children's literature को।
हेनरी जेम्स ने इन द आर्ट ऑफ फिक्शन, आर्ट ऑफ फिक्शन में एम्फसाइज किया ऑन द रियलिज्म फ्रॉम द राइटर एंड द डीअटैचमेंट फ्रॉम द रीडर. आर एल स्टीवेंसन एडमायर ऑफ द नॉवेल्स मेड द डिमांड ऑफ द सिंपैथी एंड द इन्वॉल्वमेंट. अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात रखी गई है. हेनरी जेम्स इन हिज आर्ट ऑफ फिक्शन एम्फसाइज ऑन द रियलिज्म. हेनरी जेम्स ने बोला देखो हर चीज़ को जो लिखा जाता है वो रियलिटी बेस पे लिखा जाना चाहिए. तो एक तरह से फिर से चिल्ड्रंस लिटरेचर को पीछे घसीट दिया गया. डिटैचमेंट फ्रॉम द रीडर. आर एल स्टीवेंसन ने एडमायर की, एडमायर ऑफ द नॉवल, उन्होंने भी नॉवल की काफ़ी तारीफ करी. नॉवल वो चीज़ होती है जो कि सिंपैथी जनरेट करती है और जिसका बेसिक काम क्या है, अबाउट द इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी. हर एंगल से, चाहे वो आर एल स्टीवेंसन हो, चाहे वो हेनरी जेम्स हो, ठीक है, इन सब के, इनके नाम याद, चाहे वो वॉल्टर एलन हो, इनकी लाइन्स ने चिल्ड्रंस लिटरेचर को बिल्कुल आउट ऑफ जोन रखा. इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, तो सिंपल बोल दिया देखो कि सिंपल बात क्या है, नॉवल एक कोई एज एन सीरियस जॉनर डिसाइड बता दिया. इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो द क्लास, सेक्स एंड एज वर कन्फ्लेटेड एज द कॉसेस ऑफ द सपोज इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट द बेस्ट इन द आर्ट एंड द लिटरेचर. दोज मिलियन टू होम द टेस्ट इज बट एन एक्स ऑब्सक्योर कन्फ्यूज एन इमीडिएट इंस्टिंक्ट. कि जब भी कोई चीज़ रीड करनी होती है उसके पीछे क्लास, सेक्स एंड एज का बहुत बड़ा रोल होता है. क्लास से आप समझ सकते हो ना, सेक्स से समझ सकते हो, एज का मतलब पता ही है. चिल्ड्रन का एज छोटा है तो उसकी, उनके जो एज की राइटिंग है उसको एक तरह से ट्रैश में माना गया, कूड़ा का पार्ट है, बकवास है, सिर्फ एक फैमिली रीडिंग और एन्जॉयमेंट का पार्ट है. सेक्स में भी डिफाइन किया गया, जैसे मेल एंड द फीमेल, मैंने बताया था ऊपर, जो भी चीज़ ऐसे आड़ कबाड़ की राइटिंग है वो कह देते हैं कि ये फीमेल की राइटिंग है और बच्चों के लिए ना, औरतों और बच्चों के लिए, बाकी मर्द तो हटके पड़ेंगे, दैट्स अ नॉवल. पर नॉवल खुद ही एक फेलियर है. नॉवल के अंदर खुद कुछ नहीं होता, कहीं ऐसे नॉवल है जिसको पढ़ के आपको मन करेगा कि नॉवल को जला दें, पर फिर भी उस एंड सीरियस फॉर्म इन आर्ट, बड़े बड़े क्रिटिक निकल के आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, और वहीं चिल्ड्रंस लिटरेचर को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, किनारा बिल्कुल. तो आपको ये बात हमेशा अभी याद रखनी है कि आप फाइनली वकील हो, है ना, बच्चों की तरफ से वकील हो, तो यार ये याद रखना. तो अब आप केस को लड़ रहे हैं, तो अभी तक तो देखो किस तरह से चिल्ड्रंस लिटरेचर को हमेशा पीछे बताया, पर जो दूसरी तरफ से जो नॉवल के साइड से जो बातें बोली जा रही है कि नॉवल सीरियस राइटिंग है पर उसमें कुछ एक रेशनल कंसेप्ट नहीं है. नॉवल्स भी ऐसे ऐसे देखे गए, मैंने बताया था आपको कई ऐसे. नीचे कमेंट जरूर करना है कि ऐसे नॉवल जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए हो और फिर भी उसे एज एन सीरियस जबरदस्ती दिखाया गया हो, ठीक है, तो यार प्लीज़ कमेंट किया करो, नीचे कमेंट तो करता ही नहीं कोई. तो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिज्म एज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ द फैंटेसी वॉज इमीडिएट डिक्लासिफाइड. ई एम फॉस्टर, देखो ई एम फॉस्टर ने लिखा दिया एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, नॉवल के अलग अलग ट्रेसेस लिखे हैं, नॉवल के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह नॉवल की बाइबल कह सकते हो आप. नॉवल क्या है, डेफिनेशन ऑफ नॉवल क्या है, राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, नॉवल के पार्ट, सारा कुछ बिल्कुल. तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल वो ई एम फॉस्टर ने डिफाइन किया, इनके नाम को नहीं भूलना. तो उन्होंने बोला कि देखो जो भी चीज़ फैंटेसी है तो इट्स सो एफेमरल, एफेमरल का मतलब दैट्स लिव फॉर द शॉर्ट टाइम. तो फैंटेसी वाली राइटिंग शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उनका क्रिटिकल इंस्पेक्शन नहीं किया जाता. अगर आप उसको क्रिटिकली इंस्पेक्ट करना शुरू करो, यानी आप उनको अच्छी तरह डिस्कोर्स एज ए डिसिप्लिन समझने की कोशिश करो, तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है. कहने का मतलब जो भी फैंटेसी है, जो भी फैंटेसी और फिक्शियस राइटिंग है उनके, वो सब बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, उसमें कुछ भी ढंग की चीज़ नहीं होती. तो इसको नोट करना है ना, इसमें बहुत बड़ी पॉइंट, बहुत जब बड़ा पॉइंट मार दिया चिल्ड्रंस लिटरेचर पे. स्टार्टिंग से प्रेजुडाइस रखा गया, प्रेजुडाइस का मतलब एक किसी से नफरत है ना, और रीज़न नहीं पता है पर तुम्हें फिर भी नफरत है उससे. तो ऐसे चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए एक प्रेजुडाइस जैसे टर्म को लगा दिया गया है, ठीक है, अनवांटेड हेट, बस तुम्हें नफरत करना है तो नफरत करना है, तो इस तरह से. और ये अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया गया कि जो बच्चों की राइटिंग है वो टेरर, पॉलिटिक्स और सेक्स जैसे बड़े बड़े कंसेप्ट से दूर है. और इस तरह से पूरे चिल्ड्रंस लिटरेचर को एक तरह का बोला गया, दैट इज़ दी अदर से डिफाइन किया गया, आउट ऑफ स्ट्रीम रखा गया, और उसके जो एस्थेटिक वैल्यू से ज़ीरो कर दी गई. एस्थेटिक यानी बाहर के डायमेंशन, साथ सजावट, उसके स्टाइल को, डिक्शन को, फॉर्मेट को, सबको बोल दिया गया ज़ीरो, दैट योर रीडिंग ऑफ द चिल्ड्रन लिटरेचर. इसीलिए सिलेबस में चिल्ड्रन लिटरेचर को, जैसे कि आपने देखा होगा लियस कैरोल को मैंने पढ़ाया था थ्रू द लुकिंग ग्लास, बहुत बढ़िया, आप पढ़ के देखना किस तरह से एक पूरे वो जो चेस का जो बोर्ड है उसके ऊपर राइटिंग है. और जब हम उसको डीप एनालिसिस जब उसके थ्रू करते हैं तब हमें पता चल गया था छोटी छोटी बातों में भी कितनी बड़ी बड़ी बातें रखी गई है. तो कभी भी ऐसी राइटिंग को, कोई भी चिल्ड्रन लिटरेचर की किताब आप उठा के देख लेना, इन चिल्ड्रंस वर्क या चिल्ड्रंस बुक को, और कोई से भी चिल्ड्रंस टेक्स्ट, वो आपको समझ आ जाएगा उसमें कितना क्या से क्या होते हैं, ठीक है. तो ये देखो चिल्ड्रंस जो है ये वैसा चिल्ड्रंस नहीं है, दैट्स अपोस्ट्रॉफी एस, यानी बच्चों के लिए बुक, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं समझ जाओ कि चिल्ड्रन के पीछे एस लगा रहे हैं, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है. तो चिल्ड्रंस लिटरेचर थ्योरी एंड द प्रैक्टिस प्रोबेबली हैज नॉट इज द सेम काइंड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग द प्रीमाइस
of the children's literature justified to the good enough for the academic and the critical engagements. तो बोला गया है एकेडमिक के लिए क्रिटिकल राइटिंग जो चिल्ड्रन के एज एन क्रिटिकल राइटिंग और जो क्रिटिकल लिटरेचर का पार्ट इसे बनाना चाहिए. लियोस कैरोल की राइटिंग, सुकुमार रे आपके सिलेबस में है, उसमें आपने राइटिंग देखी होगी जैसे कि स्ट्यू मच हो गया, वो ही खिचड़ी नाम से है. ऐसी ऐसी राइटिंग है जिसमें कि ये दिखा रखा है कि किस तरह से दो अलग अलग ब्रीड की क्रॉस ब्रीडिंग दिखाई गई है, फिर एक न्यू सर्वाइवल जैसे कंसेप्ट को, डार्विन थ्योरी और मैकेनिज्म को बिल्कुल अलग से रखा गया, बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है. तो जेनेटिक कोडिंग और जो जेनेटिक एडिटिंग जैसे कंसेप्ट को और फ्यूचरिस्टिक राइटिंग को, प्रीकर्सिव एसेंस को, इतने बड़ी बड़ी कंसेप्ट को जब लिखा जाता है तो उसको सब ये बोल देते हैं कि ठीक है सर रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है तो ये एक बकवास राइटिंग है, जबकि ऐसा नहीं है. प्रीकर्सिव वे में लिखा जाता है, इमेजिनेटिव होती है, इमेजिनेटिव मानता हूँ मैं, फिक्शन राइटिंग होगी, इमेजिनेटिव होगी, पर उसके पीछे कोई बेस होगा. ये तो वही बात होगी, आपको अगर कोई चीज़ सोचनी है, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, मैं सिंपल सी बात बोलूँ, एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपने ना कभी देखा हो ना सोचा हो, तो आप उस चीज़ को बता ही नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हो. तो यानी चिल्ड्रन राइटिंग में जो भी राइटर्स होते हैं उन्होंने उस चीज़ को देखा है, एक हाइपोथेसिस जनरेट किया है, उस सारे कंसेप्ट को, डॉट्स को कनेक्ट किया है, तभी तो उनके दिमाग में आइडियाज आए, फिर उन्होंने उसके बेस पर राइटिंग लिखी है. यूटोपिया फिक्शन भी एक रियलिटी का कंसेप्ट माना जाता है. You probably have realized, तो इसका मतलब सिंपल है कि सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल वर्ल्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ये सारी राइटिंग बच्चों की. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में, उसी का आप जो है उसके जो मेन जो है दैट्स कॉल्ड द क्रक्स या कंक्लूजन, वो आप इसमें ऐड कर देना ताकि आपकी जो राइटिंग है बहुत ही बेहतर हो सके. ये मैंने पूरा समझा रखा है थ्रू द लुकिंग ग्लास. अब आपको थ्रू द लुकिंग ग्लास को देखना पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम्पल समझना है. जैसे थ्रू द लुकिंग ग्लास में जब आप उस पूरी कहानी को पढ़ोगे तो वो चिल्ड्रंस राइटिंग है, पर उस चिल्ड्रंस राइटिंग में जो कई विक्टोरियन सोसाइटी पे जिस तरह से कमेंट किया गया है, मनी माइंडेड सोसाइटी पे, कैलकुलेटिव एंड मैनिपुलेटिव सोसाइटी पे, सबको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है. तो यहाँ आपको भाई उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है. थ्रू द लुकिंग ग्लास, लियोस कैरोल, और हमारे चैनल का नाम डाल देना, फील योर विंग्स, आपको निकल के दिख जाएगा, ठीक है. उसे पढ़ना, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. तो क्वेश्चनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रंस बीइंग एम्प्लॉयड बाय द वेरियस राइटर, अलग अलग राइटर ने बेशक माना कि फिक्शस राइटिंग लिखी है, पर स्टिल उसके पीछे एक वैलिड रीज़न है, वो आपको समझ आ जाएगा जब आप उस पूरी स्टोरी को जो यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है उसको जरूर देखना, ठीक है. फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर इसे पढ़ के देखना. अब यहाँ पे देखो आप यहाँ कि देखो जो भी चिल्ड्रंस बुक को खरीदने वाले जो होते हैं, जो बच्चों के लिए जो बुक खरीदते हैं वो एडल्ट होते हैं, और एडल्ट अपने दिमाग से वो किताब उठा के बच्चों को पकड़ाते हैं और बच्चे उस चीज़ को रीड करते हैं. तो जो इन चीज़ को समझ रहा है, जो एनालाइज कर रहा है, वो एक एडल्ट माइंड है, ना कि बच्चों का दिमाग, ठीक है. तो और उनको इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जिस बुक को उठाया जाता है वो बुक को सही तरह से जज ना करते हुए एडल्ट सिर्फ उन्हीं बुक को उठाते हैं जिनमें कि थोड़ा सा बच्चों के लिए जो इजी हो, और जो कि सिंपल सी बात है बाहर जिसके अच्छे अच्छे कार्टून से टाइप के बन रखे हो, जिसकी एस्थेटिक थोड़ी एसेंस अच्छी हो, उसको उठा के सप्लाई कर दिया आगे. देखो जैसे जूलिया ब्रिग्स है ना, कमेंट्स द चिल्ड्रंस बुक्स आर रिटन फॉर द स्पेशल रीडरशिप, रीडरशिप के लिए पढ़ा उसे लिखा जाता है, बट द राइटिंग एंड द क्वाइट ऑफ्टन बाइंग ऑफ देम इज कैरिड आउट बाय द नॉन मेंबर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द चाइल्ड मेंबर. Therefore, they define that children's literature is one of the most difficult tasks, but the children read is not determined and decided by an adult member taking the care of the children. तो बच्चों के हिसाब से adult member किताब को खरीद के लेके जाते हैं. तो ये ध्यान रखना है आपको. तो जो इसे scrutinize कर रहे हैं, जो इस चीज को judge कर रहे हैं, वो एक बड़े है ना, तो बड़े लोग वो किताब उठा के लेके जाके बच्चों को पकड़ा रहे हैं. अब इससे impact का आएगा, इससे impact का सिंपल मतलब ये है कि वहाँ पे भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उस चीज़ को, यानी बड़ों ने अपने दिमाग को लगाया और उसके साथ में वो ऐसे वेस्ट और एक ऐसी चीज़ को उठाते हैं जो कि जिसका कि कोई वो नहीं है, उसको उठा के बच्चों को सप्लाई कर दिया और बच्चों को देते हुए कहते हैं ठीक है टाइम पास हो जाएगा, ये पढ़ लो थोड़ा बहुत मन लग जाएगा तुम्हारा बस. तो बच्चे जिस दिन खुद पिक किताबों को उठाना शुरू करेंगे, लिखा है ना दैट मोस्टली द चिल्ड्रेन डू नॉट पिक अप ए बुक बाय देमसेल्फ, ये रिसर्च कर रखा है उन्होंने, देयर चॉइस इज गवर्न्ड बाय व्हाट द एडल्ट थिंक्स इज जस्टिफाइड फॉर देम. जो एडल्ट को लगता है उनके फैमिली में जो बड़े उनके चाहे फादर या मदर को वही उठा के जो पकड़ा देते हैं वही है. मोर ओवर द एडल्ट डिसीजन इज नॉट बेस्ड व्हाट इज इनसाइड द बुक, उनको नहीं देखते बुक के अंदर क्या है और क्या नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ देखी उठा के ले गए बच्चों को दे दिया, बाद में एक दिन खुद उठा के पढ़ेंगे कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है भाई, याद से बुक लिखते हैं सब और फाड़ के फेंक देंगे और यहाँ से चिल्ड्रन लिटरेचर फिर आउट ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी. देयरफॉर व्हाट कम्स अंडर द चिल्ड्रन लिटरेचर इज ऑल्सो द ट्रिकी, एज जॉन रो टोवन से, ठीक है ये नाम याद रखना कि अगर आपको ये केस जीतना है तो फाइनली आपको ये नाम पता होना चाहिए.
जैसे जॉन रो ट्विंसेट सेज दैट व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ चिल्ड्रंस बुक इज डिसाइडेड बाय द पब्लिशर. इन्हें पब्लिशर बताया कि पब्लिशर भी मेल बंदे होते हैं वहाँ पे, और जो पब्लिशर खुद उठा के देखते हैं वो डिसाइड करते हैं इस बुक को पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. फिर वहाँ पर कोई बच्चा फिर से नहीं है, फिर से पब्लिशर ने किसी जो सबसे वाहियात बुक होगी, जो वर्सफुल राइटिंग होगी, उसी चीज़ को उठा के प्रिंट में डाल देंगे, उसी को पब्लिश कर देंगे, वो कह देंगे बच्चों के लिए न्यूट्रल राइटिंग है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे करके. तो इसका जो आपको इसको पूरा ये जिस तरह का ये लूप है और जिस तरह का ये कन्फ्यूज़न और लोगों के दिमाग के अंदर एक जो ये माइंड सेट डाल रखा है कि बच्चों की राइटिंग जो बेकार है, इसके पीछे जो है एडल्ट खुद रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि जूलिया ब्रेक और फाइनली जॉन रो टॉमसन ने बात रखी कि चुनने वाला भी जो है वो कौन होगा, एडल्ट मेंबर होते हैं, और उसे पब्लिश करने वाला भी एडल्ट मेंबर होता है. तो इस वजह से जो बच्चों की जो राइटिंग सप्लाई हो रही है बच्चों के पास, वो भी एक एडल्ट का किया हुआ है. तो किस बिहाफ पे ये कहा जा सकता है कि चिल्ड्रंस लिटरेचर एक वर्सफुल राइटिंग होती है, ठीक है, इस तरह के एक बोल्ड क्वेश्चन उठाया गया. तो फाइनली देखा आपने कि किस तरह से इसमें इतने पेपर से एक या दो दिन पहले इनके नाम याद करके चले जाना, जो चिल्ड्रंस लिटरेचर के अगेंस्ट से उनके नाम और चिल्ड्रंस लिटरेचर को जो फेवर में उनके नाम, दोनों को अलग अलग जगह आप लिख लो पहले. फिर उसके बाद इसको और अच्छी तरह से करने का तरीका ये, उनके एक दो लाइन्स हूबहू वैसी लाइन नहीं लिखनी, पर हाँ आगे पीछे करके मीनिंग सेम रहे ऐसे लिख देना. फिर उसके बाद चिल्ड्रन लिटरेचर को कंपेयर किया गया नॉवल से, है ना, नॉवल को और लिटरेचर, चिल्ड्रंस लिटरेचर की कंपैरिजन वो जरूर लिखना. कैसे, नॉवल को बताया गया कि वो एक एंसेस्ट्रल राइटिंग है, जबकि वो एंसेस्ट्रल राइटिंग नहीं है, सिर्फ एक फ्लॉ जनरेट किया जा रहा है लोगों के दिमाग में, क्योंकि सबसे पहले पोएम आई थी, देन पोएम के बाद ऐसे के कॉम्पोजिशन हुए थे, फिर ये डे टू डे वर्क को कंपाइल किया गया, देन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द नॉवल. ड्रामा पुराना है पर नॉवल नहीं है. तो फिर नॉवेल को जो चीज़ बाइंड करती है दैट इज़ द इंटरेस्ट. फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि वो एक सीरियस फॉर्म ऑफ राइटिंग है, जबकि चिल्ड्रंस लिटरेचर एक सीरियस फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं है. फिर उसके बाद आपको लास्ट वाला जरूर लिख के आना, जो मेन इनका जो लूप होल है वो ये है, जो उन्होंने सबसे बड़ी जो दिखा रखी है यहाँ पे गलती, कि चुनने वाला भी जो है वो कौन होता है, एडल्ट होता है, पब्लिशर भी कौन होता है, एडल्ट होता है, ठीक है. इस तरह की कुछ बातें ध्यान रखनी और ये सब कर लेना, ठीक है. स्पेशल थैंक्स यहाँ के लिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर यार करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, फिर ये अपने आप एक क्रीम लेयर पे आने लग जाएगा चैनल, ठीक है. ओके, थैंक्स.